हमारे साथ देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, हम थोड़ा सा उनसे पूछते हैं। सर क्या किस तरह से प्रोसीडिंग हुई, क्या कार्रवाई हुई? प्रोसीडिंग चल रही, अभी मुलजिमान सारे अदालत में हाजिर हो गए हैं, फिर जज साहब जो है सजा सुनाएंगे। सजा कितनी कि दोषी करार दे दिया गया, दोषी करार देंगे, दोषी करार देंगे या छोड़ेंगे उस पर फैसला होगा। अगर दोषी सिद्ध करते हैं, दोष साबित होता है, तो फिर उसके बाद जो है वकील, जो मुलजिमान इनके वकील, ये रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि मैं बहस करूंगा कि किस धारा में कितनी सज़ा होगी, उसके लिए बहस होगी। हो सकता है आज तारीख लग जाए, अब बहस होगी तो मुलजिमान के वकील लंबी बहस करेंगे, इसलिए हो सकता है आज इसमें तारीख लग जाए और आगे कल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि धाराएं काफ़ी हैं, 6-7 धाराएं लगी, हर धारा में अलग अलग सज़ा होगी। सारे मुलजिमान हैं, कुछ मुलजिमान के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया है, इसलिए वो छूट भी सकते हैं। एविडेंस अभी और अशरफ दोनों को दोषी करार दिया गया, दोषी करार दिया गया है, लेकिन अब बहस होगी इस बात पे कि सजा कितनी होगी, किस धारा में कितनी सजा होगी, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और उस धाराओं पर मैक्सिमम कितनी सजा दी जाती है। कुछ मुलजिमान पे 120 भी है, 120 भी साबित करना आसान नहीं रहे, लेकिन वो आगे बहस का मुद्दा है। अदालत क्या फैसला लेगी, वो एविडेंस पे फैसला होगा, क्या एविडेंस आया है उस पे अदालत में फैसला होगा कि 120 भी साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि 120 भी साबित करना आसान नहीं होता, उसमें बहुत तथ्य, सबूत, गवाही आनी चाहिए, वो अदालत का मैटर है। लेकिन मुलजिमान के वकील जो बहस करेंगे उस तथ्य को ध्यान में रखकर अदालत फैसला देगी। तो देखिए एक तरीके से जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने बताया किस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग समझाने की। ठीक है मानस, ठीक है, आप बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और न्यूज 24 पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये, अतीक अहमद दोषी करार हो गया है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।